नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में चीन की 5 दिवसीय यात्रा की है। इस दौरान नेपाल आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में शामिल हो गया है। इस एग्रीमेंट का मकसद ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करना है, जिसके जरिए नेपाल को बिजनेस और कनेक्टिविटी के एक रीजनल सेंटर में बदलना है। बताया जा रहा है कि इस प्लान में कई जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना जैसे कि हाईवे, रेलवे और एनर्जी नेटवर्क शामिल हैं। ये नेपाल की चीन और एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का वादा करता है। केपी ओली ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग में BRI को नेपाल के लिए गेम चेंजर बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये नेपाल में डेवलपमेंट के नए मौके लेकर आएगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजनेस, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर के लिए नए रास्ते खुलेंगे।